गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में सर्जना 2024 के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद पहुंचे और छात्र छात्राओं को मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया, जिसके संबंध में गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने बताया कि यहां पर एक सप्ताह का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई गई थी, जिसमें स्पोर्ट्स के भी कई गेम शामिल थे, जिसमें 1000 छात्रों ने भाग लिया था, जिसमें से 50 छात्र और छात्राओं को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। इस समय इंटर हॉस्टल कंपटीशन चल रहा है, जिसमें सभी छात्र और छात्राओं को बधाई और बाकी छात्रों को शुभकामनाएं दी गई, वे आगे जरूर मेडल प्राप्त करेंगे। इस अवसर पर महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद और गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने कहा, सौभाग्यशाली हैं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय जो दीनदयाल यूनिवर्सिटी के रूप में है, उसमें जो हॉस्टल में रहने वाले थे उनकी प्रतियोगिता हमेशा होती रही है, लेकिन विश्वविद्यालय परिवार और कुलपति उनके विश्वविद्यालय परिवार को धन्यवाद दूंगा कि इस बार डेली जो डे स्कॉलर हैं, जो बाहर से आके पढ़ते हैं, उनके अंदर छुपे हुए प्रतिभा को प्रतिभाशाली बनाने के लिए प्रतियोगी परीक्षा कराई और उनको हमें सम्मान देने का अवसर प्राप्त हुआ, इसलिए उन बच्चों को आशीर्वाद देना। और मैंने हर संभव मैंने वादा किया कि जहाँ भी ज़रूरत होगी, इस गोरखपुर विश्वविद्यालय दुनिया में नाम कमाया था, फिर से नाम कमाएगा, फिर से अपनी पहचान बढ़ा रहा है। इसके लिए मैं योगी जी को भी धन्यवाद दूंगा कि चारों तरफ से शिक्षा के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जो है आज के दिन में यह विश्वविद्यालय दिन आगे बढ़ रहा है और यहाँ के जो प्रतिभाशाली छात्र हैं वो दुनिया में अपनी एक पहचान बनाए, वह मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। ये डेलीगेसी का हमारा एक वीक का कार्यक्रम था जो कि डे स्कॉलर्स के लिए होता है, डिफरेंट टाइप के कम्पिटिशन थे स्पोर्ट्स के, इंडोर गेम्स के, तो उसमें बड़ी संख्या में करीब 1000 ज्यादा छात्रों ने भागीदारी करी और आज मोर देन 50 छात्र छात्राओं को मेडल मिला है। हमारे इंटर हॉस्टल कंपटीशन भी चल रहा है इस समय और बहुत सी कल्चरल एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट एक्टिविटी चल रही है विश्वविद्यालय में। ये कहना चाहूँ सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन छात्रों को मिला है और बाकियों को भागीदारी के लिए शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। मंडलायुक्त अनिल ढींगरा की अध्यक्षता में गीडा विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक आयुक्त सभागार में शुक्रवार को सकुशल संपन्न हुई। इस दौरान मंडलायुक्त अनिल ढींगरा ने कहा कि गीडा प्राधिकरण के वर्तमान में प्रचलित नीति के अनुसार औद्योगिक भूखंडों के आवंटन के पश्चात आवंटन तिथि से 2 वर्ष के समय में भूखंड पर इकाई स्थापित करने एवं उत्पादन प्रारंभ करने के लिए दिया जाता है। 2 वर्ष के पश्चात भूखंड पर उद्योग लगाने हेतु
हेतु निम्नवत समय विस्तारण शुल्क के लिए जाने की व्यवस्था है। इसमें आवंटन तिथि से 2 वर्ष तक कोई समय विस्तारण शुल्क नहीं लगेगा। इसके अलावा आवंटन तिथि से 2 वर्ष से 3 वर्ष तक वर्तमान औद्योगिक प्रीमियर का 1% समय विस्तारण शुल्क लगेगा, जो समय समय पर लागू होता है। इस अवसर पर CEO गीडा अनुज मलिक सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अभी हम लोग सर 2 से 3 साल के लिए 1% टाइम एक्सटेंशन लेते हैं, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, 7। इसको सर हम रेगुलराइज कराना चाहते हैं 2 से लेकर 10 वर्ष तक का, जो बीच में एक गैप जिसे हम लोग सर एक प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने रवि किशन और प्रवीण निषाद को दोबारा टिकट मिलने पर कहा कि लोकसभा का चुनाव लोकतंत्र और राष्ट्र का चुनाव है। राष्ट्र को फिर से विश्व गुरु बनाना है और फिर से सोने की चिड़िया बनाना है, इसलिए जनता ने तय किया है कि मोदी को फिर से लाना है, लेकिन सांसद को फिर से जिताना है जिससे मोदी गद्दी पर बैठ सके। उन्होंने कहा कि निषाद समाज के लोग जिस विपक्ष की पार्टी में हैं, उन्होंने 70 साल में मछुआरों को 10 रुपया भी नहीं दिया था और 67 साल में केवल 3,000 करोड़ रुपया दिया, लेकिन मोदी ने 6 सालों में 41,000 करोड़ रुपया देश के अंदर दिया है। उत्तर प्रदेश में अभी 400 करोड़ रुपया आया है, जिसमें गोरखपुर में 200 करोड़ रुपए का एक पार्क है। इसमें निषादों के लिए फ्री का बीमा है। इसमें गोरखपुर व संत कबीर नगर निषाद बाहुल क्षेत्र है। लोगों ने निषाद पार्टी पर विश्वास किया है और निषाद पार्टी को खड़ा करके इतना बड़ा किया है कि एक मछुआ समुदाय का बेटा मोदी के पास जाकर आवाज बुलंद कर रहा है, वहां पर जाकर नीतियां बनाकर लाता है, इसलिए पूरे देश में 400 सीट जीतेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि जनता ने ये बड़ा लोकतंत्र का चुनाव जो है लोकसभा का चुनाव है, राष्ट्र का चुनाव, और राष्ट्र को फिर से विश्व गुरु बनाना है, फिर से सोने की चिड़िया बनाना है, राष्ट्र को फिर जनकल्याणकारी नीतियों को धरातल पर लाना है, इसलिए जनता ने तय कर रहा है कि मोदी को लाना है और सांसद को इन्हीं को जिताना है जिसकी वजह से मोदी गद्दी बैठ जाए। वो गलती जनता नहीं करने वाली, क्योंकि हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग को, क्योंकि आज मछुआरों को जिस पार्टी में लोग हैं, जो विपक्ष के लोग 70 साल से मछुआरों को 10 रुपया भी नहीं दिया था और 67 साल में 3,000 करोड़ रुपया दिया, और आप देखे होंगे कि 6.5 साल में मोदी जी ने 41,500 करोड़ रुपया पूरे देश के निषादों को दिया और नीतियां बना के उन्हें आज देखे कि हम उत्तर, अभी पहली बजट में अभी उत्तर प्रदेश में भी मैंने 400 करोड़ रुपये का हुआ है, 200 करोड़ रुपये का एक्वा पार्क है गोरखपुर में है और जगहों पर, तो ये निषादों के लिए फ्री का बीमा, तमाम योजनाएं हैं, तो इनको शिक्षा के लिए पछुआ कल्याण कोष की स्थापना कराई, तो जनता चाहती हमारा विकास हो, जनता चाहती हमें सुरक्षा मिले, जनता चाहती हमें सहायता मिले, जनता चाहती हमें शिक्षा मिले, तो इस क्षेत्र में जो फैक्टर है निषाद बाहुल सीटें हैं आपका संत कबीर नगर और गोरखपुर हैं, तो यहाँ के लोगों ने निषाद पार्टी पर विश्वास किया, निषाद पार्टी को खड़ा करके इतना बड़ा किया है कि 70 साल में पहली बार है कि एक मछुआ समुदाय का बेटा मोदी जी के जाके सामने उनकी आवाज़ बुलंद करता और वहाँ जाके उनके लिए नीतियाँ बना के लाता। तो वकील चाहिए किसी के समस्याओं के समाधान के लिए, तो निषादों ने अपना वकील डॉक्टर संजय को मान रखा और निषाद पार्टी को अपनी पार्टी मानकर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए रखा, इसलिए नेता नहीं कोई विकास करता है, नीतियाँ विकास करती है और नीतियाँ निषाद पार्टी बना रही। कितना देश में और यूपी में कितनी सीटें हैं? देखिए यूपी में हम लोग 80 के 80 में लगे हुए हैं, निश्चित रूप से वो पूरा होगा और 400 पार NDA सरकार, मोदी जो कहते हैं वही होता है और उन्होंने कह रखा तो उसे पूरा जिताना। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने लोकसभा चुनाव पर कहा कि 400 पार करने वाली NDA सरकार बन रही है, रामलला सब पर भारी है और काशी मथुरा की बारी है, हमने काम किया है, लोकतंत्र में जनता ही जज होती है, मोदी की जो गारंटी है वह जनता के दरवाजे पर पहुंची है, वह जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं, इसलिए जनता ने विश्वास जताया है, क्योंकि 39 पार्टियों ने मोदी पर विश्वास जताया है, इसलिए हमने
तय किया है कि मोदी को फिर से लाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर फैक्टर चुनाव में काम करेगा, क्योंकि वर्षों से इसकी मांग थी जिसे हमारी सरकार ने लोकतांत्रिक ढंग से पूरा किया है। उन्होंने कहा कि हम NDA के सहयोगी दल हैं, अभी बैठक करके तय किया जाएगा, हम हारी हुई सीटों को भी जीत में बदलेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी की कार्यशैली को योगी धरातल पर लाते हैं, इसलिए विपक्ष की जो नीति है उस पर रहें। 2017 में सपा और कांग्रेस साथ आई थी, एक बार फिर आई है, इस बार पूरी तरह से साफ हो जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा, NDA सरकार कोई नहीं, रामलला सब पर भारी है और काशी मथुरा श्रृंगेरपुर की भारी है और काम किया है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती जज होती है, लोकतंत्र में जनता के लिए सरकार होती है उनके द्वारा, तो जनता के लिए विकास मोदी जी की जो गारंटी है वो दरवाजे पहुंचा जो करते हैं वो करके दिखाते हैं, इसके करके जब दिखा दिया इसलिए जनता ने विश्वास जताया और आगे भी विश्वास जताएगी और जो भी देखिएगा जो मोदी जी कहें वो पूरा करेंगे हम लोग, पूरा जीत होगी क्योंकि 39 पार्टियों ने विश्वास जताया है मोदी पर और फिर भरोसा होगा। 2024 में हम लोगों ने तय किया कि मोदी जी को फिर से लाना है और भारत को फिर विश्व गुरु बनाना, अर्थव्यवस्था को आगे है और लाना है तीसरे नंबर पर लाना और जन कल्याणकारी नीतियों को धरातल पर लाना। क्या लग रहा है राम मंदिर फैक्टर काम करेगा इस वाले में? राम मंदिर का एक वो भी एक फैक्टर है क्योंकि लंबे समय से लोग जो कार्यकर्ता लड़ाई लड़ रहे थे, जनता का आस्था था, अगर वो आस्था का केंद्र रहा और उसको हमारी सरकार ने लोकतांत्रिक ढंग से सुप्रीम कोर्ट के अनुसार बनाकर दिखा दिया कि लोग विरोधी ही कहते हैं कि यही नारा लगाते भाजपा के लोग, रामलला आएंगे मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन तारीख भी बताया, दर्शन भी किया, बनाकर भी दिखाया और प्राण प्रतिष्ठा करके उन लोगों को सौंप कर भी दिखाया, तो इसलिए इससे लगता है कि जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं मोदी, इसलिए लोग मोदी के साथ हैं। कितनी सीटें निषाद पार्टी को मिली, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कितनी उम्मीद की थी आपको? अरे निश्चित रूप से अभी सहयोगी दल हैं, अभी सपा और अपना दल और RLD का है, वो बैठक बुलाते हैं माननीय गृह मंत्री जी और निश्चित रूप से हमारी संख्या 11 सीटें हैं, 11 विधायक हैं, जिस तरीके से अन्य दलों को विधायक के अनुसार हिस्सेदारी मिलेगी तो 2022 में इस तरीके से सम्मान दिया उस तरीके देंगे। सीटों का कोई झगड़ा नहीं होता और आसाम से हम लोग काम करते हैं, सीट नहीं हम लोग जीत में बदलते हैं, हम तो बता रखें कि हरी सीटें हमें देते हैं उसको भी हम जीत में बदलेंगे, चूँकि निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता मिलकर जब हम लोग काम करते हैं तो उसको जीत में हारी हुई सीट को जीत में बदल कर दिखाया था। पिछले बार 11 सीटों को 9 सीटें हमने जीत कर दिखाया था, इस बार भी लोकसभा में आप देखें हम लोग जीतेंगे सब। अच्छा, पिछली बार की बात करें तो एक चौंकाने वाली जो रणनीति है भाजपा की उससे विपक्षी दलों को भी चौंकाया क्योंकि कई लोगों का टिकट कटा था। इस बार पहली सूची में बात करें तो काफ़ी जो पुराने जीते हुए लोग थे उन पर विश्वास जताया है BJP ने, लेकिन कहा जा रहा है कि दूसरी लिस्ट में फिर से एक बार बड़ी संख्या में चौंका सकती है, तो क्या लग रहा है आपको? नहीं देखिए, जो कयास लगाना मीडिया और जनता का काम है लेकिन कयास पर विराम लगाना हमारे मोदी जी योगी जी का काम है, तो वो ऐसा नहीं है, जिस पर भी जनता ने विश्वास जताया है उस पर मोदी जी ने भी विश्वास जताया और निश्चित रूप से मोदी जी, चूँकि देखिए मोदी जी की जो कार्यशैली है उसके जो नीतियाँ हैं उसे माननीय योगी जी धरातल पर लाए, इसलिए उत्तर प्रदेश में हम लोग जिस तरीके से सीट का उन्होंने आपने देखा होगा घोषणा की है और बिना किसी के, आपने देखा होगा विपक्षी कहते थे कि आधे ज़्यादा टिकट काट दिए जाएंगे लेकिन कहीं नहीं है, उसी तरह हुआ, विपक्षी कहते 2014 में इतना जीते, 2017 2019 2022 वही से उल्टा हुआ, आज के दिन में मोदी जी ने सब पर विश्वास दिलाया था, आगे भी जताएंगे। विपक्षी पार्टी है उसे क्या कहना चाहेंगे आप? विपक्षियों से कहेंगे कि जो पार्टी की उनकी नीत और सोच है उस पर रहें, बल्कि इधर उधर न रहें, जी कांग्रेस की सोच अलग थी, सपा की सोच अलग थी और दोनों एक विरोधी में हैं, इसी तरीके से है कि 2017 में सपा और कांग्रेस साथ आई थी तो कांग्रेस साफ हो गई, सपा हाफ हो गई और इस बार फिर मिले हुए हैं, बचा कुचा साफ हो जाएंगे, तो इस तरीके से वो कम से कम जिस विचारधारा के लिए पार्टी बनी उस पर काम करें, बल्कि विरोधी विचारधारा के साथ मिलकर समाज के साथ
प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने अखिलेश यादव के राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उनकी शादी सामान वर्ग में हुई है, इसलिए वे नहीं कहेंगे कि हमारी शादी सामान वर्ग में हुई है इसलिए हम विरोधी हैं। सामान वर्ग भी तो इसी देश का हिस्सा है। आप अपने विधायकों को संभाल नहीं पा रहे हैं, यदि आप संभालते तो कोई नहीं जाता, क्योंकि सभी लोग विकास चाहते हैं और डबल इंजन की सरकार की जो विकास यात्रा निकली है उसमें शामिल होना चाहते हैं। उन्होंने खेला होने के सवाल पर कहा कि जनता जनार्दन होती है और राजकुमार और राजा का जमाना खत्म हो गया है। यदि प्रजा कोई बटन दबाती है तो वह राजा बनता है। मोदी और योगी जनता के अनुरूप कार्य कर रहे हैं, इसलिए जनता उनके साथ है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा, सामान्य वर्ग में तो उनकी शादी भी हुई है, तो ऐसे थोड़ी कहेंगे हमारी शादी सामान्य वर्ग में, वो विरोधी है। सामान्य वर्ग तो भी इसी देश का है ना। आप संभाल नहीं पा रहे हैं, इसके लिए कहिए कि आप संभाल नहीं पा रहे हैं। संभालना जरूरी होता, संभालते तो कहीं नहीं हो जाता, क्योंकि सब विकास चाहते हैं और सभी लोग डबल इंजन की सरकार की जो विकास यात्रा निकली उस पर शामिल होना चाहते हैं। तो लोग वो कह रहे हैं कि दोनों राजकुमार हैं और इस बार राजकुमार कुछ नया करके दिखाएंगे, कुछ खेला हो जाएगा। जनता जनार्दन होती है, अब वो राजकुमार राजा का जमाना खत्म हो गया, अब प्रजा राजा है। प्रजा जिसे बटन दबाती है और बटन में शक्ति वोट देती है वो राजा बनाती है। तो मोदी जी ने, योगी जी ने जनता के उन वादों पर, जनता की भावनाओं के, जनता के अनुरूप काम करके दिखाया, इसलिए जनता मोदी योगी के साथ। सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज गोरखपुर में PGDM समकक्ष MBA कोर्स का शुभारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि फादर रेव रोशन लाल द्वारा फीता काट कर किया गया। इस अवसर पर कॉलेज के संरक्षक और प्राचार्य प्रोफेसर CO सैमुअल ने सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि यह कोर्स पूर्वांचल के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत लाभकारी होगा। कार्यक्रम के समन्वयक डॉक्टर मीनाक्षी जान, विभागाध्यक्ष कंप्यूटर साइंस विभाग और सह समन्वयक प्रोफेसर SD राजकुमार उपस्थित थे। इस अवसर पर सभी शिक्षक और छात्र छात्राएं उपस्थित थीं। PIBM की तरफ से श्री मुकेश गुप्ता और अंकित कुमार, रिलेशनशिप मैनेजर की उपस्थिति थी। मुख्य अतिथि ने कोर्स में 100% प्लेसमेंट की सराहना की। इस कोर्स में फ्री लैपटॉप, विदेशी यात्रा, एजुकेशन लोन की सुविधा उपलब्ध है। उक्त कोर्स के लिए सत्र 2024-25 के लिए निर्धारित 50 सीटों पर प्रवेश प्रारंभ हो चुका है। अधिक जानकारी के लिए कंप्यूटर साइंस विभाग से संपर्क करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर CO सैमुअल ने कहा, एंड्रयूज महाविद्यालय में एक मैनेजमेंट कोर्स का पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट की तरफ से एक कोर्स लॉन्च किया गया है और ये एक प्रतिष्ठित संस्था है, नेशनली इंटरनेशनली पूरी तरह रिकग्नाइज्ड है, पुणे यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है और AICTE से मान्यता प्राप्त है। तो उससे एक बिजनेस मैनेजमेंट का एक कोर्स हम लोग यहाँ शुरू कर रहे हैं, उसके स्मार्ट क्लास का भी हम शुरू कर रहे हैं और हमें उम्मीद है पूर्वांचल के हमारे विद्यार्थी जो खास तौर से मैनेजमेंट कोर्स करना चाहते हैं उसके लिए एक वरदान साबित होगा। छात्रों से क्या करना, छात्रों से करना चाहते हैं कि चूँकि अब स्थितियाँ बहुत बदल गई हैं और मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा हर क्षेत्र में दबदबा है, उसका भूमिका है, तो इसलिए जो छात्र इसमें इच्छुक हों वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, बहुत ही कम फीस में वो इस कोर्स को कर सकते हैं और चूंकि ये जॉब ओरिएंटेड है तो इसके तुरंत बाद उनको प्लेसमेंट भी मिल जाएगा। आएँ और एडमिशन लेकर इससे लाभ प्राप्त करें।